हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के एक पात्र एकलव्य की कहानी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। यह महाभारत काल की बात है, जब भारत के एक जंगल में एकलव्य नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अनुशासित बालक था और उसके माता पिता ने उसकी परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ की थी। एकलव्य की धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी, लेकिन जंगल में उसके लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। इसीलिए वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य उन दिनों राजकुमारों अर्थात पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे और उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वह राजकुमारों के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं देंगे। जब एकलव्य अपना निवेदन लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास आया तो उन्होंने उसे अपनी व्यवस्था बताकर वापस भेज दिया। इस पर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने यह प्रण लिया कि वह द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। शारीरिक रूप से गुरु की अनुपस्थिति के चलते उसने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने तीर कमान चलाने का अभ्यास करने लगा। देखते ही देखते वह एक उम्दा धनुर्धारी बन गया। एक दिन की बात है, जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करने जंगल की ओर आए, उनके साथ एक कुत्ता भी था। उस समय एकलव्य भी जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। ऐसे में जब कुत्ते को जंगल की ओर से आवाज आई तो वह उस ओर जाकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की एकाग्रता भंग होने लगी। इस वजह से कुत्ते को चुप कराने के लिए एकलव्य ने उसके मुंह में कुछ इस प्रकार बाण भर दिए कि उसका भौंकना बंद हो गया और उसे कोई चोट भी नहीं आई। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास भाग गया। जब उन्होंने कुत्ते को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा धनुर्धारी कौन है जिसे धनुष बाण की ऐसी विद्या आती है। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनके सामने हाथ में धनुष लिए एकलव्य खड़ा था। अपने गुरु को देखकर एकलव्य ने प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि उसने यह विद्या किससे सीखी, तो एकलव्य ने बताया कि वह किस प्रकार उनकी मूर्ति के सामने प्रतिदिन अभ्यास करता है। यह सुनकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हुए। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धारी कोई नहीं होगा, लेकिन एकलव्य की विद्या उनके इस वचन में बाधा बन रही थी। ऐसे में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने एकलव्य से कहा कि हे वत्स, तुमने मुझसे शिक्षा तो ले ली, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा तो अभी तक नहीं दी है। आदेश करें गुरुवर, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? एकलव्य ने कहा। एकलव्य की बात का जवाब देते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य ने तुरंत अपनी कृपाण निकाली और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। इस घटना की वजह से एकलव्य का नाम एक आदर्श शिष्य के रूप में आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी एकलव्य की कहानी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और ज्ञान भरी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारा ये चैनल।